नमस्कार। हमारे बीच में है कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह जी, और आज यहाँ पूर्णाहुति हुई है नगर जगतीपट में। तो आप बताएंगे कि ये जो हवन हुआ इसके बारे में थोड़ी बताएं विस्तृत में। देखिए, एक बात सर्वविदित है कि कुल्लू का दूसरा नाम है कुल्लू, जो है ये घाटी देवताओं की घाटी कहलाई जाती है, वैली ऑफ गॉड्स, क्योंकि यहाँ के लोगों की, वैसे तो हिमाचल के सारे में ही जो अपर हिल है जहाँ हमारे ये मोबाइल देवता है, हमारी इन देवी देवताओं में अटूट विश्वास है। पर उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में कुल्लू ज़िला आता है। तो जब ये कोरोना का अटैक हुआ था, तो अब पीछे हमने देवताओं से प्रार्थना की क्या अब इसका कंट्रोल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पीछे कोरोना का जो फर्स्ट फेज था, उस वक्त विजयदशमी के उत्सव में देवताओं को लाने पर रोक पड़ी थी, जिससे देवता रुष्ट हुए थे थोड़ा। और इस बार हमने कहा कि देव भगवान, वो तो लोगों के अच्छे के लिए सरकार ने निर्णय लिया था, इसलिए हमको ये करना पड़ा। और अगर कोरोना ज़्यादा फैल जाता तो फिर हमारे ऊपर सारा ब्लेम लगता, तो अब इस बार तो थोड़ी रक्षा करो। तो एक महीना पहले जब मैंने यहाँ देवताओं से पूछताछ की, तो देवता ये अड़ी कर रहे थे कि आप देवता की असेंबली बुलाइए, जो देवता के प्रतिनिधि हैं वो 250-300 आते हैं। मैंने कहा मालिक, ऐसे कोरोना के समय में कैसे मैं इसको करूँगा। और मैंने ये वचन दिया था कि अगर एक मास में आप इसको कंट्रोल करेंगे तो हम करवा देंगे, आप जब का आप कंट्रोल करेंगे तब करवा देंगे। तो एक बड़ा सुखद समाचार आ गया इन्हीं दिनों में, जब हमने डेट फिक्स की कि कुल्लू ज़िला में विशेषकर 511 टेस्ट लिए गए, और उसमें से एक केवल कोरोना से पीड़ित आया था, पॉजिटिव था, और 2-3 टूरिस्ट थे। तो अब उस दिन मैंने सोचा कि हमने जो देवताओं को वचन दिया है, अब उसको पूर्ण करने का समय आ गया है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण बिठाए और यज्ञ होम किया, और उसके बाद आज पूर्णाहुति हो गई। अब आज हमने ये कहा कि आप जो देवता की असेंबली चाहते हैं, उसके भी ब्राह्मणों ने दिन देखे हैं, 2 दिन देखे हैं। अगर कोरोना समाप्त हो गया तो जब भी, जैसे ही समाप्त होगा, तो देवताओं के जो प्रतिनिधि हैं उनको सूचना दी जाएगी, ताकि दशहरे के पहले ढालपुर मैदान में क्या करना है वो भी करेंगे, और फिर भगवान का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। जी धन्यवाद। तो अभी हमने सुना राजा महेश्वर सिंह जी को कि जिन्होंने कोरोना समाप्त होने के लिए यहाँ एक हवन का आयोजन किया था, और मैं कामना करता हूँ कि जो 18 करोड़ हैं वो हम सब की, कुल्लू के वासियों की रक्षा करें। धन्यवाद।